जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल अनिल कौदंड में। आइए, हम लोग अंकों की बात कर रहे थे, आज हम लोग बात करेंगे अंक चार की, मूलांक चार। प्यारे मित्रों, इससे पहले मैंने मूलांक एक, मूलांक दो और मूलांक तीन, इनके बारे में आपको बताया, इनका स्वभाव, इनका विचार, इनका स्वास्थ्य। लेकिन आज हम बात करेंगे मूलांक चार की। इनके जो अधिष्ठाता देव हैं वो हैं राहु। और जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को यदि किसी का जन्म हुआ है तो उनका मूलांक आएगा 4। देखिए, इस मूलांक चार वालों को जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है, जीवन संघर्षों से भरा रहता है, कोई न कोई परेशानी जीवन में इनके लगी रहती है। इनकी सोच सामान्य लोगों से कुछ अलग हट करके इनकी सोच होती है और इनके शत्रु बहुत होते हैं। ये लोग प्राचीन परंपरा को बहुत कम मानते हैं। क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव जो है इनके जीवन में बहुत अधिक होता है। साहसिक कार्य करने से डरते नहीं। जीवन में कोई ना कोई एक आदि घटना ऐसी घटित हो सकती है कि जो पूरे जीवन की दिशा को बदल देती है। ये लोग गोपनीयता से गोपनीयता कार्य को भी गुप्त रखते हैं, किसी को उसका प्रदर्शन नहीं करते किसी के सामने। अंक चार वालों का दाम्पत्य जीवन कुछ विशेष अच्छा नहीं होता। कोई ना कोई बाधा, परेशानी, टेंशन, तनाव, संघर्ष जीवन में लगा रहता है। कभी कभी ये लोग अपने को अकेला समझते हैं, अकेले में रोने की इच्छा करते हैं और नए नए कार्य करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और बिना किसी की परवाह की अपने कार्य में लगे रहते हैं। इनके बारे में कोई कुछ कहता रहिए, किसी की सुनते नहीं, ये अपने कार्य में लगे रहते हैं। ये ज़्यादा धन संग्रह नहीं कर पाते, धन को जोड़ करके मूलांक चार वाले नहीं रख पाते। इनका स्वभाव सबसे अलग होता है और ये लोग जिससे प्यार करते हैं उसको निभाते हैं, उसको ये लोग धोखा नहीं देते। इनका जो शुभ रंग है वो है आसमानी, नीला या काला, हरा रंग, जो रंग मैंने आपको बताया इनके लिए जीवन में ये शुभ हैं। हल्का पीला कलर भी इनको कुछ कुछ शूट कर जाता है। अंक 1, 2 और 7 इनके अच्छे मित्र होते हैं और ये लोग यदि शिव की आराधना करें, माँ सरस्वती की आराधना करें तो बहुत अच्छा है। चांदी पहने अपने हाथ में, चांदी की चैन हो जाए, चांदी की अंगूठी हो जाए, उसको धारण करें तो बहुत अच्छा है। इनके लिए अंक 8 जो है वो शुभ नहीं होता और इनकी शिक्षा में बाधाएं आती हैं, कोई ना कोई व्यवधान शिक्षा में इनके आते हैं। शरीर के रोगों को लेकर के हम मैं आपको बताऊं तो इनको पेट के रोग ज़्यादा होते हैं, लीवर के, पेट के, किडनी, इनको पथरी का रोग बड़े जल्दी हो जाता है। और दूसरा, इनको ज्वर बड़े जल्दी होता है, बुखार ठीक भी हो जाता है लेकिन ये जल्दी पकड़ लेता है। और ये लोग जीवन में कभी खाली पेट ना रहें, खाली पेट रहने से इनका स्वास्थ्य गिर जाता है, स्वास्थ्य इनका खराब हो जाता है और फिर उनको दवा खानी पड़ती है। मूलांक चार वाले लोग जो हैं क्रोध तो करते हैं लेकिन शांत भी हो जाते हैं। अधिक क्रोध जिसके ऊपर आता है उसको ये माफ़ नहीं करते,
राहु का प्रभाव जो है इनके जीवन में क्षण क्षण होता रहता है। ये मैंने आपको मूलांक 4 में जन्मे लोगों के शरीर के बारे में, स्वभाव के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बताया। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझको आप भेज सकते हैं। मैं आपको कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपके जीवन में जो है समस्याएं हैं या लाभ हैं जो भी है वो मैं आपके बारे में आपको बता सकता हूं। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा यदि कोई करवाने के इच्छुक हैं तो मुझे इसी नंबर पर वो संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित अनिल कौदंड, श्याम सखा।